परीक्षा का पेपर लीक की जैसे सूचना मिली, मैंने अभ्यर्थियों से मुलाकात करके जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में सामने आया कि 78 क्वेश्चन जो पेपर कल आयोजित हुआ उससे मिल रहे थे। उसके बाद चेयरमैन मोदी जी से बात की, उन्होंने कहा कि कल 11 बजे मुलाकात करेंगे, यानी कि आज 11 बजे का समय दिया। और मैं अभ्यर्थियों के साथ सुनीता सेन जो झुंझुनू के रहने वाली है, जो परीक्षार्थी है, उसके मोबाइल पे 8:02 पर कल पेपर आ चुका था और एग्जाम देने के बाद उन्होंने चेक किया तो हुबहू वो पर्सन मिले थे 78 क्वेश्चन। सुनीता सेन है, कल मैं पेपर देने के लिए सीएचओ का पेपर देने के लिए जयपुर आई थी तो 8:02 पे मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए हैं सर, वो मैंने देखे नहीं और मैं पेपर देने चली गई थी। और पेपर दे के 12 बजे परीक्षा केंद्र से बाहर निकली तो मैंने वो मैसेज खोल के देखे तो उसमें 12-13 पेज का क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैंने 1-2 पेज पलटे तो उसमें क्वेश्चन देखे वो सीएचओ के पेपर में थे, वही क्वेश्चन उसके अंदर भी थे। फिर मैं रूम पे आ गई थी, वहाँ आके हमने क्वेश्चन वगैरह को देखा तो कुछ क्वेश्चन मेल खा रहे थे। उसके बाद हमने उबेर भैया को फोन किया और वहाँ आके हमने पेपर में जो क्वेश्चन थे सीएचओ के ने और जो पेपर आए हुए थे उसमें से उनमें से क्वेश्चन मिलाए तो 78 क्वेश्चन मेल खा रहे थे। उसके बाद हम आज चेयरमैन सर से मिलने गए तो उन्होंने हमारी बात सुनी और फिर उन्होंने हमें SSG ऑफिस में भेज दिया था और वहाँ हमारे फोन लिए हैं, उनसे पूरी डिटेल ली गई है और वो है ना जाँच कर